स्पाइन के अंदर जो डिफॉर्मिटी की हम बात करें तो डिफॉर्मिटी हमें यहाँ पर कुछ देखने को मिल सकती है। उन डिफॉर्मिटी के अंदर पहले हमें यह पता कर लेना है कि स्पाइन का जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि जो स्पाइन के अंदर जो कर्व बनता है वो एसएफ के अंदर बनता है। एसएफ के अंदर हम बात करें तो इसमें से मान लीजिए ये खड़े है और कर्व देखे हैं तो यहाँ सर्वाइकल प्रसार इस तरह से होता हुआ और एसिक के अंदर एंड लंबार के अंदर ये आपको एस कर्व देखने को मिला होगा। अब इस कर्व के अंदर अगर चेंजेस आते हैं तो उनके अंदर हमें आगे चलते उनको हम डिफॉर्मिटी कह देते हैं। डिफॉर्मिटी बोले तो अगर सर्वाइकल एंड थोरेसिक एंड लंबार के अंदर उनका कर्व चेंज हो रहा है तो वो डिफॉर्मिटी होगी। वो कितने प्रकार से हो सकती है? कॉमनली तीन प्रकार की डिफॉर्मिटी हम यहाँ पर देखा करते हैं। तीन प्रकार की डिफॉर्मिटी के अंदर पहली जो होगी वो काइफोसिस होगी, दूसरी लोडोसिस होगी एंड थर्ड स्कोलियोसिस होगी। काइफोसिस की हम बात करें तो ये मोस्ट कॉमनली हमें अपर थोरेसिक वर्टिब्राज के अंदर देखने को मिलती है। अपर थोरेसिक वर्टिब्री के अंदर देखने को मिलेगी, उसमें क्या होगा कि पोस्टीरियर एग्जैजरेशन आपको देखने को मिलेगा। वर्टिब्रा पोस्टीरियरली इस तरह से बाहर की तरफ एग्जरेटेड होके कॉन्वेक्सिटी आपको वहां पर शो करेंगे एंड एंटीरियरली कॉनकेव शो करेंगे। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से इसका जो पोस्टल चेंजेस है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, जो हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री के अंदर। यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री का आप कंजर्वेटिवली ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो थर्ड डिग्री है उसका इलाज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्जिकल इंटरवेंशन लेना होगा, सर्जिकल सपोर्ट लेना होगा, उसी के द्वारा आप इस स्पाइन को एकदम नॉर्मल कर सकते हैं। सेकेंड हम जो स्कोलियोसिस था स्पाइन के अंदर, जो स्कोलियोसिस डेवलप हो रहा था तो वो कैसे बनेगा, तो स्कोलियोसिस के अंदर जो स्पाइन के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो इस तरह से लेटरली बेंड हो जाएगा। स्कोलियोसिस का मतलब होता है लेटरली बेंड, स्पाइन लेटरली बेंड हो जाएगी। और ये बेंड होने का कारण भी यहाँ पर आप कह सकते हैं, बेंड होने का कारण भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल एंड पोस्टल कॉजेज हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल एंड पोस्टल, पोस्टल के अंदर फॉल्टी पोस्टल, जैसे कई बार क्या होता है कि हम जैसे क्लास के अंदर बैठ रहे हैं तो इस तरह से बेंड करके हम बैठ गए तो लंबे टाइम तक एक बार बैठने में ऐसा कुछ नहीं होगा, एक बार अगर हम बैठते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हम लंबे टाइम तक अगर बेंड करके बैठे रहे, कई बार कई बच्चे इस तरह से बैठे रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक साइड के जो वर्टिब्राज है उनके अंदर स्ट्रक्चरल एंड पोस्टल चेंजेस गेन करती रहती है। और वहां पर जो एक साइड की जो वर्टिब्राज है वहां पर शॉर्टनिंग तो मसल्स के अंदर शॉर्टनिंग आने लगती है और एक साइड की मसल्स के अंदर लेंथनिंग आने लगती है। तो ये पोस्टल अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है, पोस्टल अडेप्टेबिलिटी होने लगती है और वो परमानेंट टाइप की हमें डिफॉर्मिटी देखने को मिलने लगती है, अपीयर होने लगती है उन पर्सन के अंदर। तो इसका भी इलाज करने से पहले हम बात करें कि यहाँ पर इसका हम इंस्पेक्शन कैसे करें, कैसे पता करें कि इसके अंदर जो डिफॉर्मिटी आ रही है वो किस लेवल की है, किस तरह से हम इसे मेजर करें। तो मेजर करने के लिए यहाँ पर एक स्कोलियोसिस एंगल का मेजरमेंट किया जाता है। इसमें क्या करेंगे, पेशेंट का जो एक्सरे है वो लिया जाएगा और उस एक्सरे के अंदर आप वो एंगल निकालेंगे जिसे आप उस एंगल का नाम दिया गया है एंगल ऑफ स्कोलियोसिस या फिर कॉक्स एंगल ये आप निकालेंगे। इसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पेशेंट का उस स्पाइन का एक्सरे लिया और एक्सरे के अंदर आप दो लाइनें ड्रॉ करेंगे जहां से जो वर्टिब्राज के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसके अपर लाइन से एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे और दूसरी लाइन आप जहां तक जिन वर्टिब्राज के अंदर जो डिफॉर्मिटी आई हुई है उसके लोअर बॉर्डर से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, आगे इनको लेके जाएंगे एक्सरे के अंदर और उन दोनों लाइनों के आप क्या करेंगे परपेंडिकुलर लाइन और ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से अपर और जो लोअर जो लाइन है वहां परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ की और जहां पर ये लाइनें मिल रही है वहां पर एक एंगल आपको देखने को मिलता है, उस एंगल को हम एंगल ऑफ स्कोलियोसिस या कॉक्स एंगल नाम देते हैं। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि ये एंगल जो एनॉर्मल कब होगा, अगर ये 10 से कम है तो लगभग नॉर्मल है। ठीक है, 10 से कम है तो लगभग हम नॉर्मल कह सकते हैं, अगर 10 टू 20 डिग्री है तो ये आपका माइल्ड टाइप का स्कोलियोसिस देखने को मिलेगा। 10 टू 20 माइल्ड टाइप का था, 20 टू 40 डिग्री ये मॉडरेट। ठीक है, एंड 40 से ऊपर वाला जो होगा
40 से ऊपर वाला जो एंगल आपको ये एंगल ऑफ स्कोलियोसिस देखने को मिल रहा है, इट मींस ये सीवियर स्कोलियोसिस है। इसका इलाज सर्जरी के द्वारा किया जाना चाहिए। हम बात करें फर्स्ट एंड सेकंड वाले की, तो वहां पर तो इसका इलाज किया जाएगा। इलाज करने के लिए आप कंजर्वेटिवली ठीक कर सकते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर आप उस पेशेंट का रेगुलर पॉजिटिव गाइडेंस आप करते रहें, पेशेंट को रेगुलर बोलते रहें कि आपको इस तरह से बैठना है। इसके लिए आप उसके अटेंडेंट्स को भी बोल सकते हैं कि आप रेगुलर इसका ध्यान रखें, और ये जब भी ये डिफॉर्मिटी के अंदर जाना स्टार्ट करें तो आपसे बोलते रहें, बीच बीच में टोकते रहें कि आपको सीधा बैठना है। तो इस तरह से वो अपने आप को फर्स्ट डिग्री के अंदर या जो माइंड है उसे अपने अपने आप को रिकवर कर लेगा। इसके अंदर हम अपना सपोर्ट भी दे सकते हैं, मैनुअली या मोबिलाइजेशन के द्वारा भी हम इसे रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जो अफेक्टेड साइड है जहां पर शॉर्टनिंग आई हुई है मसल्स के अंदर, उन मसल्स को आप वापस लैंडिंग में कन्वर्ट करने के लिए आप वहां पर स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, और जो अपोजिट साइड है वहां पर उन मसल्स के अंदर आप स्ट्रेंथनिंग के द्वारा इस तरह के स्पाइन को, इस तरह की वर्टिब्रा के अंदर डिफॉर्मिटी को आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, साथ में हम कुछ स्प्लिंट्स या ब्रेस का यूज कर सकते हैं जो सेकेंड डिग्री के अंदर या जो मॉडरेट केसेज है वहां पर आप उसकी स्पाइन को आप सीधा रखने में हेल्प कर सकते हैं और इस तरह से ठीक कर सकते हैं। थर्ड के अंदर आपको बताया कि यहाँ पर आपको सर्जरी की आवश्यकता होगी। एंड थर्ड जो डिफॉर्मिटी की हम बात कर रहे थे लोडोसिस, जिसके अंदर क्या होगा कि जो कर्वेचर है उसके अंदर लोअर सेगमेंट ऑफ लंबर वर्टिब्री वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एंटीरियर एग्जैजरेशन कॉन्वेक्सिटी के साथ में आपको देखने को मिलेगा, एंड पॉजिटिवली आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉनकेव स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, वो कर्व पॉजिटिवली कॉनकेव जैसा देखने को मिलेगा, और ये कॉमनली हमें प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलता है, और प्रेगनेंसी के दौरान भी जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है वहां पर ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उस वक्त जो ग्रोविंग जो फीटस है उसकी वजह से और जो एब्डोमिनल एरिया जो एब्डोमिनल जो पार्ट है वो काफी ज्यादा एंटीरियरली एग्जरेट हो जाता है, इस वजह से उस लेडीज के अंदर पोस्टीरियरली कॉनकेव स्ट्रक्चर या कॉनकेव हमें देखने को मिलता है। तो अब इसे उस वक्त तो ये नॉर्मल होगा क्योंकि जैसे ही आफ्टर डिलीवरी वो नॉर्मल जैसी स्ट्रक्चर आ जाएगी, बट अगर नॉर्मल पर्सन के अंदर अगर ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिले तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर अगर आपको ऐसा आइडेंटिफाई हो रहा है तो माइल्ड एंड मॉडरेट के अंदर आप वही जो ट्रीटमेंट जो हमने अभी पहले डिस्कस किया वही आपको फॉलो करना है, गाइड करते रहना है कि आपको एकदम सीधा स्ट्रेट रहना है, रेगुलरली आपको जो स्टैंडिंग टाइप की एक्सरसाइजेज है वो आपको फॉलो करनी है, एंड साथ में जो स्प्लिंट्स हैं स्प्लिंट्स के अंदर मिल्वोकी ब्रेस एंड अदर सपोर्टिव डिवाइसेज का आप यूज करते हुए उस स्पाइन को आप सीधा रख सकते हैं। इस तरह से आप अपने स्पाइन का ध्यान रख सकते हैं और उसे कंटिन्यूअसली उसे ठीक बनाए रख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।